सर्दियां शुरू हो चुकी थी, धीरे धीरे बर्फबारी भी हो रही थी, पर कंबल ओढ़ के बिस्तर पे लेटी शारदा को अपनी गरीब बहुरानी अनामिका पे गुस्सा आ रहा था। अपना दांत कटकटा रही थी तभी उसके बगल में लेटे उसके पति प्रसाद, क्या हुआ शारदा, दांत क्यों कटकटा रही हो, अब बहू ने क्या कर दिया? जब मैंने कहा कि चलो हम जंगल चलते हैं, उसने कहा कि नहीं जाएगी, मेरे मुंह पे उल्टा जवाब दी। इसमें दांत कटकटाने की तो कोई बात नहीं। इसके बावजूद शारदा दांत कटकटाते हुए अपनी बहू को मनी मन कोस रही थी। उधर अनामिका बेडरूम में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है, तभी रमेश आता है। उधर बच्चे आराम से कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं। अनामिका, इस तरह बर्फ देखकर क्या मिलेगा, आओ चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है जी, आप सो जाइए। इतना तुम परेशान होगी तो मन में परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी, इस तरह करने से परेशानी तो कम नहीं होगी ना? कुछ देर के लिए बस आप बात मत कीजिए, जाइए सो जाइए। माँ के कहे मुताबिक अगर तुम जंगल चली जाती तो ये जो सास बहू के बीच में लड़ाई हो रही है ना, वो तो नहीं होता ना? अब तक सासू माँ बोले जा रही थी, अब आप शुरू हो गए। वो बात नहीं है अनामिका, अगर तुम जंगल चली जाती और लकड़ियाँ ले आती तो उसे जलाकर थोड़ी गर्माहट होती ना। इस बात पे अनामिका बिना कुछ जवाब दिए हुए चुपचाप बच्चों के बगल में जाकर सो जाती है। रमेश भी आकर बच्चों के बगल में सो जाता है। अगले दिन सासू माँ शारदा एक लाल रंग का गमछा कंधे पे रखकर बाहर चले जाती है घर के, और वहाँ से देखती है कि उसकी बहू अनामिका बाहर आ रही है कि नहीं। अरे ओ बहुरानी, तुम इतनी सज धज के जा रही हो, हम कोई सिनेमा नहीं जा रहे हैं, हाँ हम जंगल जा रहे लकड़ियाँ लाने, मेकअप शेकअप छोड़ के आओ। इस तरह जब वो जोर से कहती है तो बहू जो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी वो सुन लेती है, और मनी मन वो सोचने लगती है, जिस दिन से मैं आपके घर में बहू बन के आई थी उसी दिन से तो सिनेमा शुरू हो गई है, इस तरह की बातें ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। इस तरह मनी मन सोचती है, पर बाहर से वो कहती है, आ रही हूँ माँ जी। फिर वो अपने हाथ में पकड़ी कंघी को बिस्तर में फेंक देती है और एक लाल रंग का तौलिया लेकर शारदा के पास आती है। अरे बहू, वो देखो, वो सुभद्रा अपनी बहुरानी कमला को लेकर अभी तक लकड़ियाँ लाने चली भी गई होगी, सर्दियों का मौसम है, बिना आग जलाए नींद नहीं आती है। हाँ माँ जी। हाँ बोल रही हो और अभी भी यहीं पे खड़ी हो, भाग के चलो, आज सुभद्रा से ज्यादा हमें लकड़ी लेकर आनी है। वैसे कुल्हाड़ी कहाँ पे है? मुझे लगा कि आप लेकर आई है माँ जी। तुमने ऐसा सोचा? तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम मेरी सास और मैं तुम्हारी बहू हो क्या? छोड़ो, मैं जाकर लेकर आती हूँ। इस तरह कहने पर बेचारी बहू रानी वहाँ से भागते हुए जाती है बगीचे में जहाँ फूलों के पौधे थे, और वहाँ रखे दो कुल्हाड़ी में से एक उठाकर वो सीधा सासू माँ के पास लेकर आती है। अब चलो बहू रानी, आज अगर लकड़ियाँ नहीं मिली ना फिर तुम्हें मेरी मार पड़ेगी। इस तरह कहते हुए सासू माँ शारदा आगे आगे चलने लगी और बहू रानी पीछे पीछे। इस तरह सास बहू चलते चलते अब जंगल के अंदर आ जाती है। वहीं पे सुभद्रा अपनी बहू रानी कमला के साथ जंगल में ही एक जगह से सूखी लकड़ियाँ काट रही होती है। उधर प्रसाद खेत के किनारे खड़े थे और अपने खेत को देख रहे थे, और उसका नौकर सुभाष छतरी लेकर खड़ा था, और प्रसाद के बगल में रमेश काला चश्मा पहनकर खड़ा रहता है। अरे सुभाष, सारे नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं मालिक। अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे पैसा नहीं देंगे, ये बात सभी को कह देना। इस तरह वो कही रहे थे तभी असल जमींदार परम वहाँ पर आते हैं। सुभाष उन्हें आते हुए देख लेता है, पर परम हाथों से इशारा करते हैं किसी को कुछ ना बताने के लिए। सुभाष चुप हो जाता है, लेकिन प्रसाद ऐसे हाव भाव करते हैं मानो कि वही असल जमींदार हो, और कुछ ना कुछ कहते हैं। तभी वो असल जमींदार को देख लेते हैं। बस उन्हें देखते ही प्रसाद वहाँ से भाग निकलते हैं। रमेश भी चश्मा वश्मा फेंक के पीछे पीछे भागने लगता है। बोला था बड़े नौकर के तौर पे काम करो, ये तो मालिक बनने पे लगा हुआ है। भागो भागो, कितना दूर भाग के तुम जाओगे, पैसे मांगने के लिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। इस तरह कहते हुए वो मुस्कुराते हैं, सुभाष भी मुस्कुराता है। फिर वो छतरी परम के सर के ऊपर रखता है। उधर बाप बेटा भागते भागते अपना संतुलन खो बैठते हैं और कीचड़ मिट्टी में जाके गिरते हैं। मैंने आपको कितना बार समझाया था पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, पोज मारते रह गए, अब देखिए कैसे आके हम गिरे। छोड़ो वो सब, वहाँ देखो
पानी है। चलो पहले हम अपने आप को साफ करते हैं, फिर जमींदार के पास जाना होगा। उनकी बातें सुन के रमेश आश्चर्य होकर देखता है। क्या कह रहे पिताजी, अभी तक उन्हीं के पास से भाग के आए और फिर कह रहे कि उनके पास जाना है। ठंड है, हमें स्वेटर खरीदना है अपने आप को गर्म रखने के लिए। हमने जमींदार से पैसे मांगे थे, तुम भूल गए क्या? हाँ पिताजी, पर मैं नहीं आने वाला। फिर तो बहू की पिटाई से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगी। इस तरह कहने के बाद रमेश डरते हुए कीचड़ से उठ के खड़ा होता है और जाने लगता है। पिटाई के नाम पे रमेश को याद आता है कि कैसे अनामिका एक टोकरी लेके रमेश के सर पे मारी थी। अरे बाप रे, अनामिका के हाथ के मार खाने से बेहतर है कि मैं जमींदार बाबू के हाथ से एक थप्पड़ जाके खा लूं। रुकिए, मैं भी आता हूँ पिताजी। आओ बेटा, आने के लिए मना कब किया था? इस तरह कहते हुए बाप बेटा वहाँ से पंप के तरफ जाते हैं। उधर सास बहू पेड़ के नीचे खड़ी थी। क्या सुभद्रा, इतनी जोर जोर से मार रही हो? खाना खाती हो या घास खाती हो? अच्छे से बात करो शारदा, नहीं तो ये पेड़ तुम्हारा है, इसमें नाम लिखा हुआ है। नाम तो नहीं लिखा हुआ है, पर मैं और मेरी बहू इसी पेड़ को काटेंगे। तुमने ही कहा कि नाम नहीं लिखा है, तो ज्यादा बात मत करो, हमें लकड़ियाँ काटने दो। सुभद्रा के इस तरह कहने पर शारदा और अनामिका देर ना करते हुए अपना कुल्हाड़ी उठाकर उसी पेड़ को काटने लगते हैं। इस तरह वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। फिर सुभद्रा की बहू रानी कमला लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। शारदा और अनामिका लकड़ियों पे जोर जोर से वार करती है। पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, बस उसका जड़ बचता है। शारदा और सुभद्रा फिर दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देखने लगती है। देखो सुभद्रा, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से तुमसे मेरी लड़ाई हो। मैं भी वही कह रही हूँ, मुझसे इस तरह से हमेशा लड़ाई मत किया करो। और इस बात को लेकर फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये मेरा हाथ है, देख रही हूँ ना कितना कठोर है, एक मुक्का पड़ेगा ना सीधा एफिल टावर पे तुम पहुँच जाओगी। मेरे भी हाथ बहुत कठोर है, एक बार मार के दिखाऊं क्या? खेतों में उड़ने वाली सरस भी नहीं जाती है, तुम तो रही कौवा। क्या कहा, मेरे खूबसूरत चेहरे को तुमने कौवा कहा? मेरा मुंह तो कौवा नहीं है, पर तुम्हारा मुंह कोयला जरूर है। तुम्हारा मुंह तो कीचड़ जैसा। तुम्हारा मुंह चावल धुलावा पानी। इस तरह दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। अपने हाथों के कुल्हाड़ी फेंक कर एक दूसरे का बाल पकड़ के झोटा झोटी करने लगते हैं। माँ जी अच्छे से मारिए, ऐसे मारिए कि मानो सुभद्रा काकी नीचे गिर जाए। हाँ आप भी अच्छे से मारिए माँ जी, ताकि उनकी माँ याद आ जाए और रविवार तक ये नींद से उठे ना। इस तरह दोनों की बहुएं अपनी सास को उत्साह दे रही थी और दोनों की सासें लड़ाई किए जा रही थी। इसी बीच माधव नाम का एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था, देखा कि लड़ाई हो रही है और पास में लकड़ी काट के रखा हुआ है। अरे इन लकड़ियों के लिए इतना मारपीट क्यों कर रही हो? एक काम करो, इन लकड़ियों को रस्सी से बांधो, जो ताकत से खींच लेगा लकड़ी उसकी हो जाएगी। माधव के कहे मुताबिक शारदा और सुभद्रा लकड़ियों को रस्सी से बांध देती है। एक तरफ शारदा अनामिका खींचती है, दूसरे तरफ सुभद्रा और कमला। अब सास के साथ साथ बहुएं भी खींचने लगती है। आखिरकार शारदा और अनामिका जीत जाती है। खुशी खुशी शारदा सारी लकड़ियों को अच्छे से बांध लेती है। फिर अनामिका उन लकड़ियों के बंडल को सर पे उठा लेती है और फिर सास बहू दोनों घर लौट आती है। उधर जमींदार सुदर्शन के यहाँ प्रसाद और रमेश बहुत ही आज्ञाकारी के तरह जाके खड़े हो जाते हैं। सुदर्शन बिना बात किए हुए ही पैसे दे देते हैं। खुशी खुशी पैसे लेकर बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं। उस रात बाप बेटा सभी के लिए स्वेटर खरीदते हैं और फिर सभी लोग स्वेटर पहनते हैं। उधर सास बहू जो लकड़ियाँ लेकर आई थी उसे जलाती है। इस तरह बच्चे बड़े सभी लोग अपने शरीर को ठंड में गर्म करते हैं। आग में बहुत देर से बैठ लिए, अब चलिए अंदर चलते हैं। नहीं नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पे अच्छी गर्माहट है, यहीं पे बिस्तर लगाइए और हम सब यहीं पे सोते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे कोई नहीं सोएगा, रात होते ही यहाँ पे बर्फबारी होती है, सबको ठंड लग जाएगी। चलो सब अंदर चलो, सब हम अंदर जाके ही आराम से सोएंगे। वैसे भी हम कहीं भी सोए तो आग जलाएंगे ना पिताजी, कुछ नहीं होगा, आप हम सभी को यहाँ पे सोने दीजिए ना। अब जब वो इस तरह से कहने लगे तो प्रसाद और रमेश के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो खटिया लाके वहाँ पे बिछा दिए। आसपास में आग जल रही थी, इसीलिए गर्माहट भी हो रही थी। माहौल काफी सुहाना था। एक बिस्तर पे शारदा और पोती भाव्या सो रही थी, दूसरे खटिया में प्रसाद पोता हरीश के साथ सोते हैं।
और एक बिस्तर में रमेश और अनामिका सोते हैं। और इस तरह गरीब बहुरानी अनामिका के घर में सर्दियों के रात कुछ इस तरह बीतने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गांव की बहुरानी अनामिका हॉल में बैठी हुई थी और एक कैंची लेकर बिजली के तार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। मैं पूरे बिजली के तार को लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काटती, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि बिजली आखिर में है कहाँ। मुझे ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह वो सोच रही होती है, तभी शारदा और प्रसाद तैयार होके हॉल में आते हैं। हॉल में बैठ के गाँव की बहू को ये सब करते देख वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। क्या हुआ बहू, ये बिजली के तार तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काट रही हो? माँ जी, अचानक से बिजली चली गई, फ्रिज टीवी सब बंद हो गए, पंखा एसी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। जब मैंने पड़ोसी के घर में झांक कर देखा टीवी फैन सब चल रहे हैं उनके यहाँ। अनामिका ने जिस तरह से विवरण दिया उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद बहुत ताज्जुब होके देखने लगे। पड़ोसी के घर में बिजली है और हमारे घर में बिजली नहीं है, ये सोचकर मैं सारे तार को उतार के लेकर आई और उन्हें एक एक करके काट के देखने लगी कि आखिर में समस्या कहाँ पर है। उसकी ये सब बातें सुन के शारदा और प्रसाद का तो चेहरा ही लटक जाता है। आप लोग ही बिजली वाले से कहिए, उनके घर में बिजली है और हमारे घर में नहीं। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के शारदा और प्रसाद समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अनामिका का मासूम चेहरा देखकर शारदा गुस्सा भी पी जाती है। बिजली चली गई है बहू, आने में एक घंटा लगेगा। देखिए, पड़ोसी के घर में बिजली है माँ जी, पर हमारे घर में नहीं। मतलब आपने बिजली का बिल नहीं भरा? अरे मेरी भोली भाली बहू, वहाँ इन्वर्टर से चल रहा है। आपने जो कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इतना बोल सकती हूँ इलेक्ट्रिशियन को अभी के अभी यहाँ पे बुलाइए, घर पे मेरे बहुत काम पड़े हुए हैं। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। नाराज मत हो शारदा, वो तुम्हारी दुलारी और सबसे प्रिय गांव की बहू है। तुम कुछ भी कहने गई तो घर के एक कोने में बैठकर रोने लगेगी, फिर दिन भर का चाय नाश्ता खाना कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। ये सुनने पे शारदा अपना थोड़ा गुस्सा कम करती है। किशोर को फोन करके मैं बता देता हूँ, वो सब संभाल लेगा, अब तुम चलो। फिर अपना सेलफोन निकाल के वो किशोर को फोन लगाता है। कहिए सर। किशोर कहाँ हो? आपके कॉलोनी के बाहर ही हूँ सर, कुछ काम है क्या आपको? फिर वो किशोर से गांव की बहुरानी अनामिका ने क्या क्या किया है पूरी बात खुल के बताते हैं। पूरी बातें सुनने के बाद किशोर जोर जोर से हंसने लगता है। आप कह रहे थे ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपके घर आके एक बार सब कुछ देख लेता हूँ और ठीक कर देता हूँ। भूलना नहीं किशोर, पहले ही सारे पैसे दे दिए हैं, अब जाके सब ठीक करके आओ। कहकर प्रसाद फोन रख देते हैं। अनामिका। शारदा के बुलाने पे अनामिका किचन से बाहर निकल के शारदा के पास जाती है। हाँ कहिए माँ जी। मैं और तुम्हारे पिताजी बाहर जा रहे हैं, जरा बगीचे में अच्छे से पानी दे देना, ठीक से पानी नहीं पड़ेंगे तो सब सूख जाएंगे। ठीक है माँ जी। कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। बहुरानी अनामिका बगीचे में जाती है, वहाँ रमेश के एक्सरसाइज करने के कुछ सामान रखे हुए होते हैं। उन्हें देखकर गांव की बहुरानी, ये सारे सामान लोहे से बने हैं, लगता है सब बेकार के हैं, इसीलिए तो ये सबको बाहर फेंक दिया गया है, अब मैं इनका क्या करूँ? ऐसा सोच ही रही थी तभी उसके कॉलोनी में अपना एक ठेला लेकर एक कवाड़ी वाला चिल्लाते हुए आता है। लोहे लक्कड़ का सामान दे दो, लोहे लक्कड़ का सामान। इस तरह चिल्ला रहा होता है सुन के अनामिका बाहर निकल आती है। फिर राजा को देखकर वो कहने लगती है, अरे ओ कवाड़ी वाले भैया, जरा इधर आना। इस तरह वो बुलाती है। राजा उसके घर पे आते हैं। अनामिका राजा को अपने साथ बगीचे में ले जाती है और वहाँ पड़े सामान दिखाती है। भैया ये सब ले जाइए आप। राजा को इस तरह कहने पे राजा बहुत खुश हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर सुबह उठा था। इस तरह सोचते हुए वो सारा सामान वहाँ से उठा लेता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है और फिर कुछ पैसे निकाल के वो अनामिका के हाथों में देता है। अरे माँ ये लीजिए इनके पैसे। कुछ पैसे हाथों में देकर वो चला जाता है।
अनामिका उन पैसों को देखकर, इन पैसों को देखकर सासू माँ तो मेरी बहुत तारीफ करेंगी। इस तरह सोचकर वो अंदर चली जाती है। फिर पैसों को एक जगह रखकर वापस वो लॉन में लौट के आती है। उधर रमेश अपने ऑफिस में मन लगा के काम कर रहा होता है। उसी रात जब सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, अनामिका पैसे लाकर सासू माँ के हाथों में देती है। क्या है बहू, ये पैसे कहाँ से आए? बगीचे में कुछ लोहे के पुराने सामान पड़े थे, मैंने उन्हें उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया। कबाड़ी वाले ने मुझे कुछ पैसे दिए, वही पैसे मैं आपको दे रही हूँ। क्या कहा, लॉन में पुराने लोहे के सामान, उसे तुमने बेच दिए? मुझे तो इस तरह का कोई सामान है बोलकर याद नहीं आ रहा है। अरे था जी, आपको याद नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। कहकर वो रमेश को लेकर लॉन में जाती है। रमेश जिन सामानों से एक्सरसाइज किया करता था वो दिख नहीं रहे थे। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। क्या अनामिका, यहाँ पे जो लोहे के सामान रखे हुए थे, तुमने क्या उन सामानों को बेच दिया है? हाँ जी, जो यहाँ रखे हुए थे। सुनकर रमेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शारदा और प्रसाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर बिना कुछ कहे अनामिका वहाँ से अंदर चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन शारदा, अरे मेरी गांव की बहू, गांव वाले लोग तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी उनकी कॉलोनी की कमला, सुरेखा, शशिकला, अपर्णा, सुनंदा सभी अनामिका को देखने के लिए आते हैं। आके सभी लोग हॉल में सोफे पे बैठते हैं। अनामिका आना जरा, कॉलोनी के सभी लोग तुम्हें देखने आए हैं। सासू माँ के आवाज मिलते ही अनामिका अंदर से बाहर निकल आती है। सभी लोग अनामिका को देखते हैं। देखकर अनामिका की खूबसूरती की वो बहुत तारीफ करते हैं। आप लोग कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे? वैसे तो हमेशा ही चाय कॉफी हम पीते हैं अनामिका, तुम अपने हाथों से नींबू का शरबत बना के हमें पिलाओ। इस तरह कहने पे अनामिका उठ के जाती है और फ्रिज खोल के देखने लगती है। फ्रिज में एक भी नींबू नहीं था। अब वो क्या करे, सोच में पड़ गई। तभी उसे विम बार की याद आती है। वो मुस्कुराती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही उसे सिंक के पास विम बार दिख जाता है। उसे विम बार से वो शरबत बनाने लगती है। फिर शरबत ले आके वो सभी को पीने के लिए देती है। पीने के बाद सभी को उल्टियाँ आने लगती है, सभी तरह तरह के मुंह बनाने लगते हैं। शारदा भी पीती है और वो तुरंत उगल देती है। ये क्या है बहू? सभी ने कहा शरबत बनाने के लिए ना। सुबह ही तुमने कहा था ना कि घर में एक भी नींबू नहीं है। अच्छा तो वो बात है, एक मिनट रुकिए माँ जी। इतना कहकर सीधा अनामिका वहाँ से किचन में जाती है और फिर विम बार लेके वहाँ पे वापस आती है। नींबू नहीं है तो क्या हुआ माँ जी, ये घर में है ना, इसी से मैंने आज सबके लिए शरबत बनाई है। ये सुनते ही वहाँ पे बैठी सभी लोग उल्टियाँ करने लग जाती है। एक और दिन शारदा सुभाष नाम के एक आदमी से बात कर रही थी, जो कि नारियल पेड़ पे चढ़ के नारियल काटने का काम करता था। माँ इतना ऊंचा से तोड़ के लाता हूँ, थोड़ा और पैसे दे दो। देखो बाबू, जो आदमी नियमित रूप से आता है वो आज नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं उसे भी इतना ही देती हूँ और वही तुम्हें भी दूंगी। इतना ऊपर पेड़ में चढ़ना आसान नहीं है, जरा दिल बड़ा करके सोचिए। एक फल के लिए मैं 15 रुपए दूंगी सुभाष। माँ जी कम से कम एक फल का 20 रुपया दे दो। ये सब बात चली रही थी तभी अनामिका वहाँ पे आती है। 20 तो नहीं, हम 10 देंगे, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं देंगे, करना है करो नहीं तो जा सकते हो। अनामिका के इस तरह से गुस्से से कहने से सुभाष वहाँ से चला जाता है। तुम्हें कुछ अकल वकल नहीं है, बात करने भी ठीक से नहीं आता है क्या? इसके लिए उनकी जरूरत क्या है माँ जी, मैं हूँ ना। इस तरह कहने के बाद गांव की बहू अनामिका झटाझट नारियल पेड़ में चढ़ने लगी और चढ़ के पूरा नारियल का गुच्छा वो काट ली। ये देखकर शारदा का मुंह तो मानो कि खुला का खुला ही रह गया। ठीक उसी दौरान शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आते हैं। शारदा को इस तरह आश्चर्य देखकर, अरे शारदा मुंह बंद करो नहीं तो मक्खी मच्छर घुस जाएंगे। इस तरह कहने पे शारदा जल्दी से अपना मुंह बंद करती है। फिर थोड़ी ही देर में अनामिका नारियल काट के वो नारियल पेड़ से नीचे उतर आती है। ये
गांव की बहू है, गांव की बहू के साथ रहेंगी तो ऐसा ही होगा। फिर सारे कटे हुए नारियल को लेकर अनामिका घर के अंदर आती है। अनामिका की इन हरकतों को शारदा बस मुंह खोल के देखे ही जा रही थी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।